नरसिंहपुर में नाबालिग के रेप की घटना सामने आई है। मामला नरसिंहपुर के ग्राम नकटुआ का है, जहां एक नाबालिग लड़की जो कि स्कूल पढ़ाई के लिए नरसिंहपुर आई थी, तभी चार लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया और दो दिनों तक भोपाल ले जाकर उसके साथ शोषण किया। उसके बाद उसे नरसिंहपुर छोड़ गए और उसे धमकाया कि अगर उसने इस पूरे मामले के बारे में पुलिस से कुछ भी कहा तो उसे जान से मार देंगे और दबाव डालकर पीड़ित लड़की से अपने पक्ष में पुलिस में बयान दर्ज करवा दिए। उसके बाद लड़की जब घर पहुंची तो पूरी बात उसने अपनी माँ से बताई। यहाँ पर आए हो, किस लिए आए हो? हमें वो लड़कों को सजा दिलवाना, उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की है और हमें ले गए थे जबरदस्ती। क्या किया है और किस बात की सजा दिलाना है? वो हमें छेड़ते थे और हमारे साथ उन्होंने रेप किया है। रेप करने की मतलब हमें शंका है कि इन्होंने हमारे साथ किया, क्योंकि इन्होंने हमें बेहोश किया था। कब की बात है ये? कौन लड़के हैं वो? सचिन यादव और सचिन कश्यप उस बॉस। कहाँ ले गए थे आपको? जबलपुर ले गए थे। वहाँ कहाँ रखा था? वहाँ से भोपाल ले गए थे, उनकी बुआ की लड़की के घर रखा। दोनों लोग थे? हाँ। फिर कैसे आ पाई आप यहाँ? गुलाम पटेल ने इनको फोन लगाया था कि तुम्हारे मम्मी पापा को उठा लिया, तो इन्होंने हमें मारा पीटा बहुत ज़्यादा और बोला कि तुम ऐसे देना वरना अगर तुमने बोला कि ये ले गए थे और कुछ बोला तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, स्कूल तो जाओगी कहीं तो जाओगी, भाई बहन को कोई को भी काट के फेंक देंगे। कौन है ये मुलायम पटेल? सरपंच रोशा का। उसने धमकी दी थी आप लोगों को? हाँ, उसी के कहने पर उनकी लड़कों ने। कितने लड़के थे? चार। क्या क्या नाम है उनके? सचिन यादव और एक मनीष ठाकुर और सचिन कश्यप उर्फ बॉस, और दो लोग को नहीं जानते, सामने आएंगे तो पहचान जाएंगे। अभी भी क्या बोलते हो? अभी भी हम स्कूल जाते पेपर देने तो पीछे पीछे आते हैं और स्कूल में भी घुस जाते हैं कभी कभी, तो हम अंदर चल जाते हैं। इसके पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गए थे? गए थे। क्या बोला वहाँ पे? नहीं गए, हम गए थे, मम्मी गई थी। क्या शिकायत करने आज आप आई यहाँ आई हैं? सर वो चार लड़के हैं, हमारी लड़की को उठा कर ले गए थे, सचिन कश्यप, सचिन यादव, मनीष ठाकुर और दो साथी और हैं जो आने की चेहरा पहचान लिया लेकिन नाम नहीं जाना। कहाँ ले गए थे उठा के? सर पहले वो जबलपुर ले गए थे, वहाँ से फिर इन हमारा फिर जबरदस्ती की मेरी लड़की के साथ, फिर भोपाल ले गए, भोपाल में सचिन यादव की बुआ की लड़की के घर, तो उसकी बुआ की लड़की घर से बाहर चली गई और बोल गई कि इसको संभाल लेना कि अपने खिलाफ ये सब कुछ ना कहें। फिर कैसे आई आपकी लड़की? सर हमारी लड़की को मुलायम पटेल ने बुलवाया। मुलायम पटेल कौन है? ये पूर्व सरपंच है। ठीक है सर, ये एक नाबालिग लड़की का मामला आया जिसमें उसका छेड़छाड़ हुई है और कहा जा रहा है भोपाल उसे ले गए थे कुछ लड़के, और स्टेशन थाने में FIR की गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा आरोप लगा रही है लड़की। क्या है पूरा मामला? ये वास्तविकता ये है कि एक नाबालिग बच्ची है जो कुछ लोगों ने उसको साथ में महिला फुसला करके डरा धमका करके अपने साथ ले लिया है, और वो उन्होंने बताया कि वो पहले जौनपुर ले गए, वहाँ से ट्रेन से बैठा करके भोपाल ले गए थे, और भोपाल में उन्हीं के रिश्तेदारों के यहाँ ले जा करके शायद उन्होंने उनके साथ में गलत व्यवहार किया और कुछ गंभीर घटनाएँ उनके साथ बच्ची के साथ की है। चूँकि बच्ची दस्तियाब हो चुकी थी और उसके बयान थाने में हुए थे, तब उन्होंने उन लोगों के डर के कारण ऐसा कोई बयान नहीं बताया था, और साथ ही साथ बच्ची के 164 के कथन माननीय न्यायालय में हुए थे, तब भी बच्ची ने ऐसा कोई नहीं बताया, तो उन्होंने ये कह दिया था कि मैं स्वयं अकेली गई थी और घर से भाग के चली।